अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल कॉमर्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ओ लेवल कॉमर्स चूँकि प्राइवेट स्टूडेंट्स उमूमन दे रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पास बिज़नेस स्टडीज़ भी होता है, तो बिज़नेस स्टडीज़ के साथ ओ लेवल कॉमर्स बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है और बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, और स्टूडेंट्स आमतौर पर लास्ट फ्यू डेज़ में इसको जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। उनको रिविज़न किट या रिविज़न गाइड या एक बेसिक गो थ्रू करने की ज़रूरत होती है पूरे कोर्स को। उसी सिलसिले में हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक हम बना चुके हैं, अब 6 ऑनवर्ड शुरू करेंगे। तो लेट स्टार्ट। पहला चैप्टर जो चैप्टर 6 है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इम्पोर्ट्स क्या होती हैं, जो सामान हमारे मुल्क में आ रहा होता है, और जो सर्विसेज हम अपने मुल्क में रिसीव कर रहे होते हैं बाहर से, और उसकी निशानी क्या होती है कि पैसा हमारे मुल्क से बाहर जा रहा हो। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाहर जा रही हैं। फिर ट्रेड में विजिबल और इनविजिबल भी होती हैं। विजिबल का मतलब है गुड्स, मटेरियल, मशीनरी, और इनविजिबल का मतलब है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज भी बाहर से भी ले सकते हैं, तो किसी दूसरे दुनिया के मुल्क की बैंकिंग सर्विस हम ले रहे हैं तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कोई हमारे मुल्क की बैंकिंग सर्विस ले रहा है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड ज़ाहिर है सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरनेशनल ट्रेड का जो है ना, वो ये है कि वो चीज़ जो हमारे यहाँ नहीं होती वो हमें मिल सकती है, वो चीज़ जो हमारे यहाँ ज़्यादा होती है वो दे के, और फिर हम फोक बजाय इससे कि वो चीज़ जो हमारे यहाँ अच्छी नहीं होती, हम चाहिए तो है तो हम बनाने की कोशिश करते रहें, उससे बेहतर है हम स्पेशलाइजेशन करें। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या पॉसिबल है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है, और इससे ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस होती है, और इंटरडिपेंडेंस जो है वो वॉर्स को कम करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करती है। भाई हम डिपेंडेंट हैं, उसको हम क्या लड़ें, उससे तो हमारा ताल्लुक है, ठीक है। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बहुत लाइटली टच किए इन्होंने, हालांकि बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, और एक कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज का। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकता हूँ कोई प्रोडक्ट, तो मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस प्रोडक्ट को बनाने में। लेकिन जिन जिन चीज़ों मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्या वो सब मैं बनाऊंगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसा मुल्क हूँ कि मैं कंप्यूटर भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ, आपसे कम कीमत में बना सकता हूँ, आपसे ज़्यादा बना सकता हूँ। लेट्स कीप द क्वालिटी कॉन्स्टेंट, एक तरफ सोच लें, हर जगह जहाँ कंप्यूटर बन रहा है क्वालिटी सेम है, आप $50 का बना रहे हैं, मैं $5 का बना रहा हूँ, तो फिर मैं कहूँगा मैं ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता हूँ। मैं जो हूँ वो जो वीट है ना, वो भी आपसे अच्छी बना सकता हूँ, आप $2 की बना रहे हैं, मैं 5 सेंट की बना रहा हूँ। तो हर चीज़ में मुझे आपसे, अगर मैं कंपेयर करूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, तो कौन वो प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन ज़्यादा अच्छा बना रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट, अच्छा नहीं एफिशिएंट बना रहा है, ये प्रोडक्ट कौन ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है, तो इस जो भी ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा होता है कहते हैं इसको, इस प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। लेकिन क्या वो मुल्क फिर सब कुछ बनाएगा? वो सब कुछ बनाएगा तो रिसोर्सेज इतना ही नहीं, सारी पॉपुलेशन को किसी एक तरफ ही लगा सकते हैं, मतलब एक तरफ से मुराद ये कि डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप को स्पेशलाइज करवाना है तो ज़्यादातर लोग फिर वो काम करें इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। तो वो मुल्क क्या देखता है, कंपैरेटिवली मुझे किस में ज़्यादा एडवांटेज है। तो उसने देखा कि पाकिस्तान ने देखा कि ऑल्दो के ये वीट भी मुझसे बेहतर बना रहे हैं, ये कंप्यूटर ही मुझसे बेहतर बना रहे हैं, मैंने देखा कि मैं कंप्यूटर भी आपसे बेहतर बना रहा हूँ, मैं वीट भी आप, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा है कि कंपैरेटिवली मैं कंप्यूटर आपके से ज़्यादा अच्छा बना रहा हूँ। जो जो डिफरेंस है अच्छाई का, वो जो एडवांटेज है मुझे आपके ऊपर, वो कंप्यूटर में मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है बनिस्बत वीट के। अब दोनों मुल्क मिलकर ऐसे हो जाएं जैसे कि वो एक ही हों, कोई दुश्मनी ना हो आपस में, तो फिर भाई आप अगर सब कुछ बना सकते हो तो वो बनाओ जो आप ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, बाकियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंटली जो बना सकते हो आप वो बना लो, बाकी चीज़ें दूसरे को दे दो। बात समझ में आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर बना रहा हूँ
$5 का, आप बना रहे हैं $50 का, और हमारा एडवांटेज का डिफरेंस 10 टाइम्स का है। वीट में बना रहा हूँ लेट सपोज $1 की, आप बना रहे हैं $2 की, तो उस पे हमारा डिफरेंस 2 टाइम्स का है। तो मैं सोचूंगा कि भाई वीट इन्हीं को दे दो, कंप्यूटर इनको दे दिया तो ये तो पूरी दुनिया को 10 टाइम्स ज़्यादा महंगा मिलेगा। सारे कंप्यूटर्स मैं बना लेता हूँ, फिर भी मुझे वीट इनसे लेना सस्ता पड़ेगा। अगर मैंने अपनी वीट लगाने के लिए पैसा खर्च कर दिया और लोगों को खर्च कर दिया, तो जितने लोग वीट उगाने में लगे हुए होंगे वो उस वक्त कंप्यूटर नहीं बना रहे होंगे, जबकि मैं कंप्यूटर बहुत बेहतर बना सकता हूँ। तो मुझे अपनी सारी पॉपुलेशन को कंप्यूटर की तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये बात हो गई कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज एक कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ में कौन ज़्यादा एफिशिएंटली बना रहे है चेक कर लिया जाए। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें देखी जाएँ तो उनमें से कौन सी चीज़ कंपैरेटिवली मुझे बनानी चाहिए? ठीक ठीक है, तो ये इस तरह से बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इतनी डिटेल में, बहरहाल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन्होंने देखें थोड़ा सा एडवांटेज का तस्करा किया। कंट्री ए जो है वो $600 का बनाता है कंप्यूटर, $80 का बनाता है मोबाइल। कंट्री बी $500 का बनाता है कंप्यूटर, $100 का बनाता है मोबाइल। कंट्री सी $300 का बनाता है कंप्यूटर और $150 का बनाता है मोबाइल। ठीक है, तो कंट्री ए को मोबाइल फ़ोन में एडवांटेज हासिल है, नज़र आ रहा है। ठीक कंट्री सी को कंप्यूटर में एडवांटेज हासिल है। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन अब इनमें से एक्चुअली कौन क्या बना रहा होगा ये इनका कंपैरेटिवली देखा जाएगा कि इसको इसके ऊपर कितना एज है, हाउ मैनी दिस फॉर दैट। ठीक है जी, बहरहाल इससे ज़्यादा आपके पास है नहीं, इतनी डेप्थ में जाने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम फैसला करते हैं कि हम हमारा किन चीज़ों में एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसके हिसाब से हम अपना मिक्स बनाते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है? जो गुड्स, विजिबल गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा की तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में, इंपोर्ट ज़्यादा की तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक है, और ये देखें विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में या डेफिसिट में? ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो डेफिसिट में चले जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक अकाउंट का, जिस अकाउंट को क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। ये बात याद है, करंट अकाउंट में क्या क्या होती हैं? विजिबल ट्रेड भी होती है और इनविजिबल ट्रेड भी होती है। ये सारी मिला लेते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अदर अकाउंट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट्स, वो आपके डिस्कशन का पार्ट नहीं है इसलिए हम उधर जा नहीं रहे। तो करंट अकाउंट का मतलब ये कि सारी ट्रेड मिला लो, गुड्स की भी, सर्विसेज की भी, और दूसरी जो पेमेंट्स जा रही हैं सैलरीज की या इस तरह की कोई, तो वो भी सब मिला लो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का करंट अकाउंट बन जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट भी सरप्लस और डेफिसिट में हो सकता है, टोटल इम्पोर्ट ज़्यादा है, टोटल इम्पोर्ट्स कम है, तो ये सारी बात हो गई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट चीज़ है, मतलब बड़ा डेफिनेशन है, जिसमें हर तरह के मुल्क में आने वाले पैसे और हर तरह के मुल्क से जाने वाले पैसे शामिल होंगे, चाहे ट्रेड हो, चाहे वो कैपिटल की वजह से पैसे आ रहे हो, कोई दूसरे मुल्क वाला हमारे मुल्क में ज़मीन खरीद रहा हो, हमारे मुल्क वाला कोई दूसरे मुल्क की ज़मीन खरीद रहा हो, कोई लोन्स वोन्स का चक्कर हो, इंटरनेशनल लोन्स का चक्कर हो, हुकूमत टू हुकूमत लोन ले रहे हों, जो भी चीज़ है, जितने ही पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जब सबका हिसाब रख लेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। ऑल पेमेंट्स मेड टू अदर्स, ऑल पेमेंट रिसीव फ्रॉम अदर्स, ये जो मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कुछ छोटी सी बात यहाँ पे अगर आपको याद दिलाएं तो की भी है कि कस्टम अथॉरिटी क्या होती है। देखिए बिजनेस स्टडी से थोड़ा सा हटके हम ट्रेड की बात कर रहे हैं ना,
तो ट्रेड में फ़ौरन आ जाते हैं। कस्टम अथॉरिटी का क्या होती है, वो लोग जो ये तय करते हैं कि मुल्क में क्या आएगा क्या जाएगा मुल्क से, तो वो ड्यूटीज़ लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, और उसमें एक मकसद तो अपने आप को उससे बचाना होता है ना कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड का या करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है तो थोड़ी ड्यूटी लगा दो। उसका एक मकसद ये भी होता है कि ऐसी चीज़ों से बचाया जाए मुल्क को जो हम नहीं चाहते कि मुल्क में दाखिल हों किसी भी हैज़र्ड की वजह से। एक्सपोर्ट करने पे भी ड्यूटी और टैक्स लगाया जा सकता है कि एक चीज़ हम नहीं चाह रहे मुल्क से एक्सपोर्ट हो। पिछले दिनों हम इंडिया नहीं चाह रहा था कि चावल एक्सपोर्ट हो उनके मुल्क से, क्योंकि अपने मुल्क में चावल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, जब वो प्रोडक्शन कम हो जाती है तो कहते हैं भाई पहले लोकल तो आप सप्लाई कर दें, लोकल लोगों की डिमांड तो पूरी कर दें। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है कस्टम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हैज़र्डस आइटम जो है वो इधर से उधर ना जाएं। हर मुल्क का अपने कानून है कि वो किसको हैज़र्डस कह रहा है, तो उसके हिसाब से फैसला होगा। तो जब किसी मुल्क में इम्पोर्ट होती है तो इम्पोर्ट किस किस रास्ते से होती है, पानी से, हवा से और रोड से। ठीक है, तीन रास्ते ही हैं हमारे पास। ये रोड के साथ रेल को भी ले लो, ट्रेन से भी हो सकता है, होती हो बाद मुल्कों में होती है ना, बाद मुल्क एक दूसरे से ट्रेन से कनेक्टेड है। तीनों चारों जगह जहाँ जहाँ ट्रेड के लिए इधर से उधर लोग जा रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल जा रहे हैं, चाहे कंटेनर आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, कस्टम के इदारे के लोग मौजूद होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। पानी का जहाज़ आता है पहले जहाँ लगता है वहाँ से, सबसे पहले वो सामान कस्टम वालों के पास से गुजरता है, कस्टम वाले उसको क्लियर करते हैं तो वो सामान आगे जाएगा। उस पर हो सकता है वो कहें कि इतनी ड्यूटी लगती है, आपका सामान आया इस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ड्यूटी पे करेंगे तो निकलेगा वहाँ से। तो कस्टम वाले उसको अपनी एक ख़ास जगह पे रखते हैं जिसको कहते हैं बॉन्डेड बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है। तो कस्टम ऑफिशियल जो हैं वो उसको बॉन्ड करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर उसको रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इतना सामान आता है एक साथ एक लम्हे में सब चेक नहीं हो जाएगा। तो वो एक जगह जाके रुका जाता है, जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा, पहले जो आया वो चेक होगा, फिर वो निकलेगा, बाद में जो आया फिर वो चेक होगा, फिर निकलेगा। तो कस्टम्स के अपने वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे आप ले आके सामान रखते हैं। बाज़ लोगों के अपने ऐसे वेयर हाउस होते हैं जो उन्होंने कस्टम्स वालों के साथ एडजस्टमेंट ऐसी कर ली होती है कि आप रखवा यहाँ दें, सील कर दें, लॉक कर दें, आप ही आके खोलेंगे, लेकिन रखवा हमारे पास नहीं, हमारे यहाँ किराया काम है, आपके पास रखने का किराया ज़्यादा है, और भी कोई वजूहत हो सकती हैं। तो लोगों के पास भी, बहुत से लोगों के पास भी बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं जो कस्टम की मिल्कियत नहीं होते लेकिन कस्टम की मर्ज़ी से चलते हैं। ये पानी के जहाज़ों की जो जगह है, यानी जो हमारी पोर्ट है, वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी का जहाज़ बहुत बड़ा होता है, उसके थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। उसके बाद ये एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, और ये जो बॉर्डर्स हैं जहाँ से के रोड्स या रेल्स कनेक्ट हो रही हैं वहाँ भी होते हैं। ठीक है, कस्टम्स वालों के अथॉरिटीज़ बैठती हैं। अच्छा, आगे मज़ीद, कमर्शियल गुड्स दैट हैव नॉट येट बीन क्लियर थ्रू कस्टम्स आर हेल्ड इन कस्टम एरिया, ऑफन कॉल्ड बॉन्डेड स्टोर, दिस इज़ रेफर्ड टू एज एंट्रपोर्ट ट्रेड। ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन अगले चैप्टर में आ जाएगी, तो हम वहाँ देख लेंगे कि एंट्रपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब हुआ। एंट्रपोर्ट ट्रेड आप देखती भी रहेंगी तो स्पेलिंग भी पता चल जाएगी आपको। कस्टम का हुकाम की जो काम है वो ट्रेड में हेल्प भी कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं हिंड्रेंस भी करता है। जाहिर है वो देर लगा रहे हैं, पाकिस्तान में तो वो पैसे वैसों का मसला भी होता है, रिश्वत दे के आपको अपना अपना काम पहले निकलवा लिया आपने। ठीक है, बाज़ औक़ात जिन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है आपने वो पैसे लेके वो छोड़ दी, कुछ चीज़ों को बिला वजह बैन कर दिया। ठीक है, तो अच्छा ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों ने मिलके ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कि हम आपस में ट्रेड करेंगे तो ना आप मुझ पर ड्यूटी लगाइएगा ना मैं आप पर ड्यूटी लगाऊंगा, आप मुझ पर टैरिफ नहीं लगाइएगा मैं आप पर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, बल्कि हम एक दूसरे को सब्सिडाइज कुछ फ़ायदे दे देंगे।
तो एक दूसरे के मुल्क, दोनों मुल्क अच्छे हालात में आ जाते हैं जो दो मुल्क ट्रेडिंग ब्लॉक बनाते हैं। तो ट्रेडिंग ब्लॉक सी टाइप्स होती हैं, जैसे वो यूरोपियन यूनियन भी एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, वो यूनियन के लेवल है, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसके कुछ नाम है ध्यान में रखिएगा। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरियाज होते हैं, ये क्या हो गया, व्हेन कंट्रीज विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ बैरियर्स। ज्योग्राफिकल एरिया में बराबर बराबर दो मुल्क थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से प्रेफरेंशियल ट्रेड करेंगे। प्रेफरेंशियल ट्रेड का मतलब है मुझे चावल मंगाने होंगे तो किसी और से नहीं आपसे मंगाऊंगा, आपको घी मंगाना हो किसी और से नहीं मुझसे मंगाइएगा। तो हम एक दूसरे की इस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, इससे आपके चावल की ग्रोथ होगी, मैं चावल नहीं उगाता फिर आप चावल उगाओ, मैं आप घी नहीं बनाना मैं घी बनाता हूँ, दोनों के लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया हो सकता है कि ये एरिया है, यहाँ के लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना आपस में प्रेफरेंशियल ट्रेड करने लगे तो बहुत बड़ा ब्लॉक है अगर करने लगे। फिर फ्री ट्रेड एरियाज होते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मुल्क एक एक ही रीजन में एग्री करते हैं कि बैरियर्स ऑन ट्रेड ऑन ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम मेंबर कंट्रीज एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, जहाँ टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस कर दिए जाएं ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अंदर, प्रोफेशनल ट्रेड एरिया, जहाँ हर तरह के बैरियर्स ऑफ ट्रेड को रिड्यूस कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, वो फ्री ट्रेड एरियाज हैं, फ्री ट्रेड जोन्स। फिर एक लेवल होता है कस्टम यूनियन, ना सिर्फ ये कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे बल्कि बाहर वालों पे एक जैसा टैरिफ लगाएंगे और पावरफुल हो गए। देखो आपके मुल्क से चावल हम लेंगे, हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हमारे मुल्क से टोमेटो आप लेंगे, आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर बाहर के मुल्क से कोई चीज़ आएगी तो आप भी 20% लगाएंगे टैरिफ, हम भी 20% लगाएंगे। फायदा क्या होगा दोनों का? इससे फ़ायदा ये होगा कि बाहर वालों से के मुकाबले में आप ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, आपकी निगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी, आपको नाराज़ करना मतलब बराबर वाला भी नाराज़। आप नहीं मानेंगे, अगर आपने कहा कि हम नहीं मानते भाई हम आपके मुल्क से 20% टैरिफ लगाएंगे, बराबर वाले को भी आपके दोनों मुल्कों को मिलके फैसला होगा। तो अगर कोई मुल्क आपको बेच रहा है कोई चीज़ एक मुल्क को और वो 20% टैरिफ लगाए तो इतना नाराज़ नहीं होगा, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर 5 मुल्कों की एक सोसाइटी बन गई, उन्होंने कहा देखो भाई हमारे हिसाब से चलो वरना हम तुम पे 20% टैरिफ लगा देंगे, तो उसको माननी पड़ेगी उनकी बात। तो ये पॉलिटिकल गेंस के लिए यूज़ होता है, ये दूसरे मुल्कों को अपना इस्तेहसाल ना करने देने के लिए यूज़ होता है कि देखिए हमारे साथ इस तरह की बात करेंगे, ये रवैया अख्तियार करेंगे, फिर हम आप पे सब मिलकर टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट, जब मेंबर कंट्रीज ट्रेड फ्रीली इन ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉट जस्ट टेंजेबल गुड्स, तो ये पूरी की पूरी मार्केट कॉमन मार्केट बन जाती है। ऑल बैरियर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर आर रिमूव्ड, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड। अब इसकी मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई ऐसा प्रिंसिपल है कि तुम प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया बना दिया अब ये फ्री ट्रेड नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल्स हैं कि या तो टैरिफ के बैरियर्स एलिमिनेट होंगे या हर तरह के बैरियर्स टू ट्रेड एलिमिनेट होंगे या इस हद तक दोस्ती हो जाएगी कि मिलके बाहर वालों के ऊपर एक जैसे लगाएंगे, या इतना फ्री हो जाएगा यहाँ हमारे हमारे इस एरिया में आके जो करो, जो लेना है लो, जो देना है दो, ना कोई आने पे पाबंदी ना कोई जाने पे पाबंदी, हर तरह की जो है वो, ना इवन ये कि लेबर के आने जाने पे भी पाबंदी नहीं है। ये मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा भी अप्लाई हो सकते हैं, एक ही मुल्क एक वक्त में एक से ज़्यादा तरीके से भी इनको अप्लाई कर सकता है। मिसाल इन्होंने दी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान के नाम से एक एसोसिएशन है, तो ये 10 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी और ये फ्री ट्रेड एरिया अपने आप को कंसिडर करते हैं। अच्छा, इनका अपना क्या क्लेम है यही मैटर करता है एक्चुअली, वो किस हद तक मतलब क्या आपस
इससे क्या होता है कि आसियान के 10 मुल्क आपस में मिलके ऐसी ट्रेड करते हैं कि एक दूसरे पे टैरिफ नहीं लगाते, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे मुल्कों में आपस में ट्रेड नहीं है। तो फॉर एग्जांपल चाइना और लेट्स सपोज चाइना और पाकिस्तान में आपस में कोई टैरिफ नहीं है, तो आपको चाइना में कुछ बेचना है ना, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा लो, चाइना में नहीं लगा सकते अगर किसी वजह से तो पाकिस्तान में लगा लो, पाकिस्तान से चाइना में भेजने में भी कोई टैरिफ नहीं है। तो लोग दोनों मुल्कों में बराबर फील करेंगे इन्वेस्ट करना, ठीक है। ये तरह साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी एक है, और ये जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों की कितनी 15 अफ्रीकन नेशंस की मिलके जो है वो एक यूनियन है, ठीक है। तो ये कस्टम यूनियन के लेवल पे चले गए मुल्क, हम ये भी एक जैसा करेंगे, हम इसमें भी एक जैसा करेंगे, एक साथ बोलेंगे, इस बारे में एक ही पॉलिसी रखेंगे। इन्होंने अपना फ्री ट्रेड जोन भी बनाया, इन्होंने जो है वो अपनी पॉलिसीज भी मिलके बनाने की कोशिश की। सबसे बड़ी मिसाल इसमें हमारे पास यूरोपियन यूनियन की है। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, उन्होंने कहा हम एक दूसरे से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप हमारे मुल्क को जो बेचो, हम आपके मुल्क को जो बेचें, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। आपका लेबर हमारे मुल्क में काम करने आ जाए हम नहीं पूछेंगे, हमारा लेबर आपके मुल्क में जाए काम कर ले हम नहीं पूछेंगे, ना उस पर कोई टैरिफ लगाएंगे, ना रोक टोक होगी, ना वीज़ा की पाबंदी होगी। आप इस लेवल पे हो गया, आपके मुल्क का शहरी मेरे मुल्क का शहरी, मेरे मुल्क का शहरी आपके मुल्क का शहरी, कितना ज़्यादा ये ट्रेड से ऊपर चली गई बात। यहाँ तक कि उन्होंने कहा अब हम सबकी करेंसी भी सेम होगी, अच्छा आपकी करेंसी, मेरी करेंसी, उसकी करेंसी, सबकी करेंसी सेम हो जाएगी, फिर आप और हम सब मिलके एक पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी या कम अज़ कम मॉनेटरी पॉलिसी हम एक बनाएंगे। तो ये बड़ी एक बड़ी बहुत बड़ी ये एग्रीमेंट है, यूनियन जो यूरोपियन यूनियन है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उस लेवल की एग्रीमेंट की कि जिसमें इकोनॉमिक ही नहीं सिर्फ पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स भी हैं। ये तो इसमें ज़ाहिर है फ्री ट्रेड एरिया भी हो गया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया भी कवर हो गया, कस्टम यूनियन भी हो गई, कॉमन मार्केट भी हो गई, सब कुछ ही हो गया इसमें, सब अप्लाई कर दिया उन्होंने। एक पासपोर्ट है वो सारे मुल्क में घूमेगा, आप अगर शेंजन वीज़ा ले लें, एक मुल्क एक शेंजन वीज़ा ले लिया, आप सारे सारे यूरोपियन यूनियन में घूमते रहें, ठीक है। तो ऐसा लगे लगता है जैसे कि अब ये सब मिलके एक मुल्क हो गया। इसके क्या एडवांटेज होते हैं, जब फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करती है ब्लॉक के अंदर, फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक हो या कस्टम यूनियन हो, तो एडवांटेज क्या है कि आपस में एक मुल्क दूसरे मुल्क को बेचते हुए जब टैरिफ नहीं लगेगा तो जो जो खरीदने और बेचने वाले दोनों का फ़ायदा होगा। सोचें कि आपके मुल्क में अगर ईरान से पेट्रोल आ रहा हो, पता है पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 280 रुपये है लेट्स सपोज, अगर हम ईरान से पेट्रोल ले लें बगैर टैरिफ के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, तो 60 रुपये का मिलेगा, 280 और 60 कितना बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में बिजली में के अंदर फ्यूल इस्तेमाल होती है, तो हमारा बिजली का बिल जो 50,000 का आता है वो बिजली का बिल 20,000 का हो जाएगा, हर चीज़ में एकदम से कष्ट कट लग जाएगा। तो यूज़र्स ऑफ बोथ द कंट्री, उनको क्या एडवांटेज होगा, उनकी चीज़ें बिकेंगी, हमारा क्या एडवांटेज, हमें सस्ता मिलेगा, इधर हम कोई चीज़ उनको बेच रहे हो, उनके यूज़र्स को क्या फ़ायदा होगा, उनको सस्ती मिलेंगी, हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी ग्रोथ होगी। तो ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों का एडवांटेज होता है, ठीक है। ओवरऑल पूरी जो मार्केट है वो ग्रो कर जाती है, दोनों मुल्कों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, ठीक है। और अगर वो आपस में आप लोग मिलके कोई जोन बना लेते हैं तो बाहर के मुल्कों की डंपिंग से आप बचते हैं। डंपिंग क्या होती है कि कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में आके चीज़ें इतनी सस्ती बेचे कि आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाए। तो आप आपस में एग्रीमेंट कर लिया आपने, बाहर वालों के ऊपर आपने मिल के टैरिफ लगा दिया, लेकिन ट्रेडिंग ब्लॉक से डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग ब्लॉक से बाहर जो मुल्क हैं वो आपके साथ हॉस्टाइल फील करते हैं, यार आपने हमें अपने साथ तो नहीं मिलाया, तो अब हम हमें नहीं आप प्रेफरेंस दे रहे, तो समहाउ रिलेशनशिप इतने थोड़े से स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने से अगर आपने सिर्फ ये 10 मुल्कों से ट्रेडिंग ब्लॉक बना लिया, तो वो जो 12वां 15वां 20वां 50वां दूसरा मुल्क है उसके पास हो सकता है इससे ज़्यादा बेहतर स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन था, लेकिन आपने उसको मिस कर दिया। तो यहाँ एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज भी हो गया,
मैंने और सबा ने मिलकर ड्रेडिंग बॉल बना लिया, सबा टमाटर बनाएगी या प्याज बनाऊंगा। हालांकि टमाटर वो ज्यादा अच्छा बना सकता था, प्याज वो अच्छा बना सकता था। तो हमने वर्ल्ड ट्रेड को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया। वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन नेचुरल होनी चाहिए थी कि पूरी दुनिया में वो सबसे अच्छी प्याज बनाता है वही बना ले भाई, लेकिन जाहिर है ऐसा है नहीं ना, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी तो हैं। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी प्याज लेट्स सपोज इंडिया बनाता है, इंडिया से हमारे वैसे रिलेशनशिप स्ट्रेंड है, तो फिर हम नहीं लेना चाहेंगे इंडिया से। बात समझ आ रही है? तो ये सिर्फ ट्रेड की बेस पर डिसीजन नहीं होते, प्रोटेक्शन आपको पता है, प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी क्या होती है। और हम इसमें एक एक इन्होंने एडिशनल फैक्टर दिया है, इसको आप कहते हैं इम्पोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस इम्पोर्ट लाइसेंस क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है कि ठीक है जिसको हम लाइसेंस देंगे वही इम्पोर्ट करेगा। तो लाइसेंस लिमिटेड देते हैं, उससे भी आपका प्रोटेक्शनिज्म क्यों करते हैं, सारी बातें हमने बिजनेस स्टडीज में भी देखी हैं कि ज़ाहिर बाहर से आने वाले गुड्स को, अगर आप वो गुड्स हमारे लोकल मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, इनफैक्ट इंडस्ट्री, तो उसको बचाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, ड्यूटीज़ की वजह से आप कुछ रेवेन्यू अर्न करते हैं, उसके अलावा आप हैजर्डस गुड्स को नहीं लाने देना चाह रहे होते हैं, उसके अलावा अपने करंट अकाउंट को बेहतर करना चाह रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्री ट्रेड जो है वो अपनी जगह बेनिफिशियल है, जैसे भी हमने बात की, एफिशिएंट है, कंपेटिटिव बना देगी। गवर्नमेंट को इतने उसूल नहीं बनाने पड़ेंगे, इसको ये लगाओ उसको बोलाओ, कैलकुलेशन में ही वक्त निकल जाएगा सारा, तो बच जाएगा। रिटेलिएशन नहीं होगी, आप किसी पे टैक्स नहीं लगाओगे, वो आप पे टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो लेकिन जाहिर है अगर आपके मुल्क में कुछ भी नहीं बनता ना, आपके मुल्क में किसी भी चीज़ में एफिशिएंसी नहीं है, तो बिल्कुल टोटल फ्री ट्रेड करने से आप कुछ अरसे में दिवालिया हो जाएंगे। या फिर ये कि आपको फ्री ट्रेड करनी है तो फिर उसके लिए आपको अपनी करेंसी को भी फ्री छोड़ना पड़ेगा, फ्री फ्लोट छोड़ना पड़ेगा। क्यों? आपके मुल्क में अगर सारे मुल्क से, जैसे हमारे गाड़ी बाहर से आती है ना, उस पर 100-100 150% टैक्स लगाते हैं। 50 लाख की गाड़ी होती है तो यहाँ लाके पड़ती है 1.5 करोड़ की। अगर सारे टैक्स हटा लिए, सारे बाहर की गाड़ी मंगाएंगे, लोकल कौन खरीदेगा? लोकल इंडस्ट्री वाकई बंद होना शुरू हो जाएगी। फिर वो 50 करोड़ रुपए में थोड़ी देने हैं, वो 50 करोड़ दें वो डॉलर में देने हैं। वो क्या करने, 50 करोड़ का, 50 लाख रुपए जो देने थे वो रुपये में नहीं देने थे, डॉलर में देने, वो डॉलर कहाँ से आएंगे? तो जब फ्री फ्लोट छोड़ेंगे और लोग अचानक से बाहर सामान मंगाना शुरू करेंगे, तो आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, तो फिर वो मंगाना सस्ता पड़ नहीं रहा होगा लोगों को, नेचुरली बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्ट महंगी हो जानी चाहिए, ताकि लोग इम्पोर्ट कम कर दें और आपकी एक्सपोर्ट सस्ती लगने लगे लोगों को, तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर फ्री ट्रेड करनी है तो फिर आपको साथ में, फ्री ट्रेड के साथ साथ में अपना फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट भी बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। अच्छा जी, फ्री पोर्ट क्या होती है? फ्री पोर्ट एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा इलाका होता है जहाँ से कि कुछ मुल्कों ने एग्री किया होता है कि यहाँ पे जब सामान आएगा तो उस वक्त उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ से गुड्स पास थ्रू करेंगे जिसमें कस्टम इंटरवेंशन नहीं होगी, कस्टम यानी क्या कहलाओ, फॉर एग्जाम्पल उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दुबई है। यूरोप से कुछ सामान आ रहा है, पाकिस्तान आना है, ठीक है, पाकिस्तान वाले एक टैक्स लगाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं यूरोप से एक जगह सामान जमा करें जो पाकिस्तान भी जाए, इंडिया भी जाए, चाइना भी जाए, यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, कहीं करीब के मुल्क में कुछ सामान जमा करें, ठीक है, ये हमें फ़ायदा रहेगा। अगर सामान चले यूरोप से पाकिस्तान के लिए अलग, चाइना के लिए अलग और इंडिया के लिए अलग, तो ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सारा सामान एक साथ करीब के एक मुल्क में जमा करो और वहाँ से इन तीनों मुल्कों के लिए रवाना कर दो, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इस काम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की दुबई ने, दुबई ने कहा आप सामान हमारे ले आओ, हम नहीं टैक्स लगा रहे, यहाँ से डायरेक्ट आगे ले जाओ, हम टैक्स नहीं लगा रहे। हमारे मुल्क में सामान आना शुरू होगा, सामान यहाँ से जाना शुरू होगा, सबसे पहले हमारी शिपिंग इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी, सर्विसेज के चार्जेस लोग देंगे, टैक्स नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। तो ये फ्री ट्रेड का जो ऑप्शन देके इन्होंने ऐसी पोर्ट बना ली, एक ऐसी जगह बना ली जहाँ पे आके जहाज आए, सामान ऑफलोड करें और वहीं से आगे ले जाएं, फिर वहाँ पे अपना सेफ करें, अपने वेयरहाउस करें वहाँ से, और फिर पूरी दुनिया में अपना कारोबार करके उससे आगे की दुनिया को बेचें, और फिर जहाँ बिक जाए वहाँ भेज दें,
हम आने पे भी टैक्स नहीं ले रहे, जाने पे भी टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन जब आएंगे जाएंगे तो हमारी पोर्ट डेवलप होगी, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, हमारे लोगों को हायर करेंगे आप, यहीं पे लोकल लोगों की मुलाजमतें बन जाएंगी, यहीं के बैंक्स इस्तेमाल होंगे यहीं की, तो फिर ऑटोमेटिकली वो मुल्क डेवलप हो जाएगा, जो दुबई के साथ हुआ। दुबई के पास ना तेल है ना गैस है, लेकिन दुबई एक बहुत अमीर स्टेट है। क्यों? क्योंकि दुबई ट्रेड हब है, क्योंकि दुबई ने क्या किया, फ्री ट्रेड कर दिया। जो लैपटॉप आप यहाँ से 1.5 लाख का लेते हैं, वो लैपटॉप वहाँ पे 80,000 का मिल जाता है। फिर आप उस लैपटॉप को अगर पाकिस्तान इम्पोर्ट करेंगे तो वो 1.5 लाख का हो जाएगा, ड्यूटी लग जाएगी। पर्सनल यूज़ के लिए ले आएंगे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यहाँ से दुबई जाते हैं अपने काम वाम से, दो लैपटॉप उठाते हैं तो टिकट के पैसे निकल आते हैं उनके। आप दुबई घूमने जाएँ बगैर लैपटॉप के, आप 5 बच्चों को लेके जाएँ दुबई बगैर लैपटॉप के, सब बच्चों को वहाँ से एक एक लैपटॉप दिला दें, तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इस बच्चे का लैपटॉप है, इस बच्चे पर्सनल यूज़ का लैपटॉप है, पर्सनल यूज़ के आइटम पे ड्यूटी नहीं लगती। दुबई में आया था तो वैसे ही ड्यूटी लेस आया था, ड्यूटी फ्री आया था ना दुबई में। तो दुबई से आगे जाएगा तो हर मुल्क अपनी अपनी ड्यूटी लगाएगा। अब जो पर्सनल करके लेके आया वो लैपटॉप, तो वो 3 लाख का लैपटॉप आप 1,80,000 में ले आए, अपने मुल्क में आके फिर बेच दिया आपने 5वां लैपटॉप 7वां लैपटॉप, हर बच्चे के टिकट का किराया निकल आया। तो ये करते हैं बहुत सारे लोग। तो एक लिमिटेड हद तक जब करते हैं तब तो ये ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको प्रोफेशनली करते हैं कस्टम ड्यूटीज से बचने के लिए, और फिर इसमें कस्टम के हुक्काम के साथ वो साजबाज भी कर लेते हैं कि हम बहुत सारा सामान लेके आएंगे, थोड़े पैसे आपको दे देंगे, आप हमारे सामान को पर्सनल बना के जाने देना। इतना होगा हालांकि वो, क्योंकि वो पर्सनल हो नहीं सकेगा, सामान इतना ज़्यादा होगा, 15-15 लैपटॉप ला रहे हैं आप, वो पर्सनल हो नहीं सकते, लेकिन साजबाज करके आप उनको निकलवा लेते हैं बगैर ड्यूटी दिए। तो ऐसी सूरत में जाहिर है फिर ये लीगल है काम, अपने लीगैलिटी की बाउंड्रीज में रहते हुए तो कर सकते थे कि एक बंदा एक लैपटॉप ले आया तो वो वाकई लीगली वो उसको क्लेम कर सकता है, भाई मेरा लैपटॉप है, चाहे मैं उस पर ड्यूटी नहीं दे रहा। ठीक है, खैर बहरहाल, तो फ्री पोर्ट जो है वो समझ में आई, दुबई इज़ अ फ्री पोर्ट। गवादर को कोशिश कर रहे हैं कि फ्री पोर्ट के तौर पे मशहूर कर दें, लेकिन दायरे गवादर के फ्री पोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट जो दो बातें हैं, नंबर एक वहाँ की सिक्योरिटी सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन तो अच्छी होनी चाहिए ही ना, वरना वहाँ क्यों लाएंगे लोग, अफ्रीका में ले आके सामान रख दें ताकि उनको रशिया भेजना है, बेवकूफ़ी की बात है ना, अफ्रीका से रशिया जाएंगे ही नहीं। तो दुबई का एडवांटेज है कि दुबई पे रखने से खुलते हैं रास्ते, ईरान भी जा सकता है, चाइना भी जा सकता है, पाकिस्तान भी आ सकता है, इंडिया भी आ सकता है, यहाँ से पूरा नेटवर्क मौजूद है रास्तों का। तो गवादर में भी रास्ते तो मौजूद हैं, गवादर एक ऐसी जगह है जो कि दुबई से ज़्यादा करीब पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट को, दुबई के लिए घूम के अंदर घुसना पड़ता है, गवादर बाहर ही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं, आप मुझसे कहें कि सर आपके घर में हमने फ्री ट्रेड पोर्ट बना दी, फ्री पोर्ट बना दी, मैं कहूँगा अच्छा चलो मैं लकी वन पे फ्री पोर्ट बनाता हूँ, तो लकी वन करीब पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट को, सड़क सड़क करीब पड़ेगी ना, इस तरह से गवादर करीब पड़ेगा उनको, क्योंकि दुबई के लिए उनको पहले ऊपर नीचे से घूम के आते हैं फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ्री जो पोर्ट है उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया को ये पसंद ही नहीं है कि गवादर चढ़ जाए, गवादर अगर चल गया तो दुबई से बड़ी चीज़ बन जाएगा, तो पूरी दुनिया ये चाहती नहीं है कि दुबई से बड़ी चीज़ बन जाए। तो गवादर में हर वक्त, गवादर के आसपास हर वक्त क्या रहता है, अमन अमान का ख़तरा रहता है, अमन अमान को ख़तरा रहता है, कभी लड़ाई कभी झगड़े कभी गोली कभी इस तरह के मसले रहते हैं। फ्रीडम फाइटर्स, कुछ हमारी भी गलतियां हैं कि हमने भी थोड़ी पॉलिसीज़ उन लोगों के लिए ऐसी रखी हैं कि उनको वो फ़ायदा ही नहीं महसूस होते। ठीक है, दूसरा दूसरा जो चाहिए है फ्री पोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट की बहुत सी सर्विसेज चाहिए, और पाकिस्तान इसमें बहुत बुरा है, पाकिस्तान सड़कें ही नहीं बना पा रहा अपनी, तो वहाँ पे सामान पहुँचा दिया, वहाँ से पहुँच इधर से उधर, उधर से उधर भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ही नहीं मिलनी अच्छी। ठीक है, फिर लोगों को चाहिए होता है कि वहाँ आके रहें तो आज़ादी से रहें, मज़े से रहें, एंजॉय करें लाइफ। तो दुबई ने वो बड़ा करेक्टली चीज़ों को पिक किया हुआ है, स्वीट स्पॉट जिसको कहते हैं। अच्छा जी, जब आप किसी मुल्क में कुछ सामान इंपोर्ट करने जाते हैं, एक्सपोर्ट करने जाते हैं, तो हमें क्या-क्या मसाइल आते हैं?
इंटरनेशनल ट्रेड में क्या मसले आते हैं? आसान नहीं इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले आप किसी दूसरे मुल्क जाएंगे, आप वहाँ जाके कहेंगे मैं ये बेच रहा हूँ, तो ट्रस्ट का इशू आएगा नंबर वन। वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें? आप बाकी सामान आपके पास है उस मुल्क में या नहीं है? आप कहें जी मैं आई हूँ पाकिस्तान से, मेरे पास जी दुनिया के सबसे बेहतरीन पजामे हैं। आप दो चार दिखा दें, क्या पता पाकिस्तान में हैं कि नहीं है, कितना बना सकते हैं, फिर मुझे भेजना पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज बहुत मुश्किल हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं भाई फ्री ट्रेड जोन में आओ, सामान दिखाओ और बेच दो। इसलिए दुबई की ट्रेड और लुक्रेटिव हो जाती है भाई, आप बेच सकते हो, लाओ ले आओ सामान ले आओ। बाकी जगहों पे मैं इसलिए सामान नहीं ले जा सकता, फॉर एग्जांपल मैं चाइना में कहूँ कि मैं आपको सामान बेचना चाहता हूँ, मैं सामान ले आया तो पहले ड्यूटीज भर दी, फिर मैं सामान खुलवाऊंगा और आपको नहीं पसंद आया, मैं वहां से किसी और को कैसे बेचूं? दुबई में एडवांटेज ये है कि दुबई में ले आया तो कोई ड्यूटी नहीं भरी, ठीक है सामान रखा हुआ है, आप आगे देख लो, आपको नहीं पसंद आएगा, यहाँ से पांच मुल्कों का और रास्ता निकलता है, दूसरे को भेज दूंगा। तो इसलिए बहुत सारी दफा एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जहाँ ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं रहती फ्री पोर्ट में। दूसरी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना है तो फिर आपको नॉन कंपनीज पे ही जाना पड़ेगा, जो आप जानते हैं लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं, बात आप उनकी लैंग्वेज में नहीं कर सकते, वो आपकी लैंग्वेज में, हर जगह इंग्लिश तो नहीं चलती। कस्टम्स के इश्यूज आते हैं, कस्टम मतलब वो कस्टम हुकाम वाली नहीं, कस्टम का मतलब ट्रेडिशंस वैल्यूज़, उनके मुल्क की वैल्यूज़ कुछ और हैं, आपने ऐसी मजाक कर दिया उनको बुरा लग गया, आपने ऐसी मार्केटिंग कर दी उनको पसंद नहीं आई, ठीक है। मेजरमेंट डिफरेंसेस होते हैं, आप लीटर में बेच रहे हैं, आप किलो में बेच रहे हैं, वो पाउंड्स में लेते हैं, हाँ ठीक है, पाउंड्स और किलो केजीज का डिफरेंस है इस तरह के। फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से मसाइल आ सकते हैं, उनके कानून अलग हों, आपके कानून अलग हों, इंपोर्ट रेगुलेशंस, कस्टम ड्यूटीज़, ये सब मसले आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के मसले होते हैं, डिस्टेंस के बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्टेंस से चल नहीं पाएंगी, पेरिशेबल ख़राब हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट में सामान डैमेज बहुत होता है, पैकेजिंग के इश्यूज हैं कि इतने लंबे ट्रेड के लिए क्या क्या पैकेजिंग होगी, जो छोटी ट्रेड में तो चल जाती है, क्या लॉन्गर ट्रेड में चलेगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन इतनी रिक्वायर्ड है, इतनी रिक्वायर्ड है, उफ, जैसे मैं पाकिस्तान से अमेरिका तेल बेचना चाहता हूँ, ठीक है, 1 करोड़ का तेल है, और अमेरिका में एक बंदा मुझसे वो तेल ख़रीदने के लिए तैयार है, अब पहले वो पैसे देगा या पहले मैं सामान रवाना करूँगा, ये यहाँ फंस जाते हैं। इसके लिए बीच में बैंक आते हैं, दोनों मुल्कों के बैंक, जो कि हुकूमत की तरफ से इस बात के लिए इजाज़त उनके पास होती है, उनके मुल्क का बैंक उनसे पैसे लेके अपने पास रख लेता है, वो गारंटी मुझे भेजते हैं, मेरे मुल्क का बैंक इस बात को इंश्योर करता है कि यस उसके मुल्क के बैंक के पास से पैसे पैसे उसके पास मौजूद हैं, जो उसके अकाउंट में से निकल चुके हैं, अब वो धोखा नहीं दे सकता बंदा, ठीक है। और शर्त ये होती है कि फिर मैं यहाँ से आपके बंदे को मुतमईन करके जहाज़ पर चढ़ा दूंगा, मुझे पैसे रिलीज हो जाने चाहिए, सामान पहुंचे ना पहुंचे, उनके सामान नहीं पहुंचा मेरा क्या कसूर। फिर तीसरी पार्टी जहाज वाले जो हैं वो अलग आपको इंश्योरेंस करा के देंगे कि भाई ये बात दुरुस्त है, इसने यहाँ से रवाना कर दिया, इसके पैसे रिलीज करो, उसके पैसे रिलीज करने चाहिए ना लॉजिकली। अब वो बंदा जो वहां बैठा है कह रहा है सामान तो आया नहीं, मैं तो 1 करोड़ दे लिए, अब सामान नहीं पहुंचा, अब क्या होगा? इसलिए बीच में इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है कि भाई ये जो सामान जहाज पे चढ़ गया है ये हमने कंफर्म कर लिया, यही सामान था, आपके बंदे ने भी देख लिया, जी वही सामान था जो मुझे चाहिए था, चढ़ाते वक्त उनका कोई एजेंट उसको कंफर्म करता है कि हाँ जो सामान हमें चाहिए था वही चढ़ा है जहाज पे। अब जब जहाज जैसे ही पानी पे निकला वैसे वो इंश्योर हो गया, तो अगर सामान नहीं पहुंचा तो आपको इंश्योरेंस वाले पैसे वापस कर देंगे, किसी वजह से नहीं पहुंचा, कोई हादसा हो गया, कोई मसला था, या अब वहां जाके खोला तो वो सामान वो नहीं निकला, तो इन एनी केस आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो बहरहाल डॉक्यूमेंटेशन बहुत रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वही अमाउंट है जो कि आप फिक्स करवाते हैं, फिर बैंक गारंटी देता है कि हाँ भाई पैसा आपके पास मौजूद है। तो ये पूरी तफसील से अभी हम आगे आएंगे। फिर एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं आपको, जैसे मैंने कहा ना पाकिस्तान से निकला है जहाज़, तो आप उनका कोई एजेंट यहाँ पे इस बात को कंफर्म करेगा कि यस ये वही सामान था जो हमें चाहिए,
एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होती है, आपको पेमेंट करनी थी डॉलर में, आपने सोचा मैं $50 कर देता हूँ, पता चला हमारे यहाँ रेट फ्लक्चुएट हो गया, वो $51 रिक्वायर्ड था, फिर आपके हिसाब किताब सारा आउट हो गया। कभी कभी राइज हो जाता है, कभी फॉल हो जाता है एक्सचेंज रेट। इंटरनेशनल ट्रेड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा पॉज ये डॉक्यूमेंट डिस्कस करके। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके नाम सुन लें। बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर उसके अलावा कुछ और मजीद हैं जैसे बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, मैनिफेस्ट, फ्रेट नोट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंडेंट। ये मेन फ़र्क है बिजनेस स्टडीज़ और कॉमर्स का। बस ये पेज, ये एक पेज है जो कि कॉमर्स को बहुत स्पेसिफिक, कॉमर्स का पेज है कि ये बिल्स क्या होते हैं, बस ये नाम आपको पता होने चाहिए और इसका मकसद पता होना चाहिए। बाकी सारी जगहों पे आप लॉजिकली चल लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, जैसे हम बिजनेस स्टडीज में चलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, MCQs में भी आता है और थियोरेटिकल सवाल में भी आ सकता है, पेपर वन में भी, पेपर टू में भी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेट्स। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय द सेलर या एक्सपोर्टर ऑफ द गुड, जो कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों कहलाएगा वो? उसको पैसे रिसीव होने, जिसको पैसे रिसीव होने होते हैं वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? जो सामान बेच रहा होता है। और इट रिक्वायर्स दैट द बायर यानी डेटर पे अ सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और ऑन एन एग्रीड फ्यूचर डेट, आमतौर पे 3 महीने का होता है। बोथ द बायर एंड द सेलर सेलर बेनिफिट फ्रॉम दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या फ़ायदा होता है? द बायर यानी इम्पोर्टर ऑब्टेन्स क्रेडिट ऑन द ट्रांजेक्शन, बिकॉज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द पेमेंट ऑफ द बायर कैन आइदर सेल द बिल एज एट अ डिस्काउंट और निगोशिएट बाई यूजिंग इट टू पे ऑफ हिज डेट्स। और सेलर ऑफ कोर्स मेक इट सक्सेसफुल ट्रेड एंड इट इज अश्योर्ड ऑफ पेमेंट। क्या मतलब हुआ? आप पाकिस्तान में, मैं अमेरिका में हूँ, सही है। आपने मुझे तेल बेचा 1 करोड़ का, अभी तय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, अभी 1 करोड़ का तेल बेचूंगी सर मैं आपको। मैं कह रहा हूँ यार मैं आज 1 करोड़ नहीं दे सकता, तो एक ऑप्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्या कि आप मुझसे 1 महीने बाद 1 करोड़ ले लेना, तो मतलब सामान कब रवाना करूँ मैं? सामान तो रवाना करना है। आप कह रहे हैं तेल मुझे भी चाहिए, पेमेंट 1 महीने बाद लेना, लेकिन आप दूसरे मुल्क में रहते हो, मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, आपके मुल्क का कानून मुझे क्या पता, मैं आपको कैसे इन्फोर्स करूँगा 1 महीने बाद के पैसे दो। तो एक इंटरनेशनल नोट बनता है जो इंटरनेशनल बैंक्स बनाते हैं, दोनों मुल्क के सेंट्रल बैंक्स के एग्रीमेंट से बनता है, जिसमें वो इस बात का पाबंद होता है, इंटरनेशनल गारंटी होती है उसकी कि 1 महीने बाद उस ये पैसे इन कैश लाजमन होंगे, ठीक है। 1 करोड़ रुपए सबाबाजी अमेरिका में है, उनके अकाउंट से मेरे इस लेटर के ऊपर रिसीव कर लिए जाएंगे। ये लेटर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है आमतौर पे 3 महीने का होता है, ठीक है। या जब मैं 2 महीने बाद इसको प्रेजेंट करूंगा तो ये मुझे दे देंगे, ठीक है। अब इसको सुनिएगा, हुआ क्या, जब आप मुझसे क्रेडिट पे सामान लेंगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा महंगा लेंगी, ये नेचुरल बात है। अगर ऑयल 300 रुपये किलो था तो मैं कहूँगा भाई 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो मैं 300 रुपये किलो तो नहीं दे सकता, फिर मैं 320 रुपये किलो दूंगा। आप भी इसलिए एग्री करेंगी कि आपके पास अभी इस वक्त आज के दिनों पैसे तो नहीं है, सामान आ जाएगा, आप उसको बेच के पैसे जमा कर दोगे। आपको पता है कि आपके मुल्क में तेल की कीमत 500 रुपये है। आपने कहा अभी बगैर पैसों के सामान आएगा, वो सामान बेच के
₹500 कमाऊंगी 1 लीटर पे, उसमें से 320 इनको देके 180 मेरे, और मेरी कोई पैसे जेब से लगे भी नहीं। अगर आपको पता है कि इतनी जल्दी आप मूव करके सामान डिस्ट्रीब्यूट भी करके पैसे भी निकाल लेंगे, तो आपके लिए बहुत साफ सुथरा ट्रेड है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। आप पाकिस्तान से 1 करोड़ का सामान मंगाती हैं, 1 करोड़ नहीं होते आपके पास, और आपका सिर्फ आपका आपकी साख होती है। आपका बैंक क्यों इजाजत दे रहा है कि ठीक है भाई हम गारंटी देते हैं कि ये कंपनी 1 करोड़ देगी, नहीं देगी तो इंश्योरेंस हुआ होता है इसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी इंश्योरेंस होता है कि अगर सबा की कंपनी ने 1 करोड़ वापस नहीं किए स्टेट को, तो हम इंश्योर करते हैं कि पैसे हम, अब वो इंश्योरेंस क्यों करती है इस बात का, वो सबा की साख देखती है, सबा की एसेट्स देखती है उस मुल्क में, भाई इसकी एसेट्स 50 करोड़ की एसेट है इसके पास, लूज कैश में पैसे नहीं पड़े हुए। सबा इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर, वो अपने पास सारे के सारे वर्किंग कैपिटल में कम से कम रखती है, इन्वेस्ट करके रखती है पैसे। तो कह रही है कि मुझे 20%, 5%, 10% ऊपर देना मंजूर है, मैं अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं, अपना इस ना अपने 1 करोड़ निकाल के कैश नहीं दे रहा मैं आपको, आप सामान बेचो, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, आपको पैसे टाइम पे मिल जाएंगे, आपका सामान आएगा, सामान को मैं रोल करूँगा और रोल करके उसी से पैसे से आपको वापस कर दूंगा, ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। जो सामान बेच रहा था उसको क्या फ़ायदा हुआ, एक तो उसको बढ़ के पैसे मिलने का चांस है 3 महीने बाद, ऐसा नहीं होगा कि पैसे ना मिलें, पैसे ज़रूर मिलेंगे, आइदर वो कंपनी देगी, नहीं तो बैंक देगा, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, पैसे ज़रूर सेटल हो जाएंगे उसके, ठीक है। एक और मदद का काम है वो, अगर वो कैश से बेच रहा था तो कितने का बेच रहा था, अच्छा 300 रुपये का, उसने क्या किया, हमारे पास एक और भाई साहब बैठे हुए थे, अली भाई साहब, जिन जो ना ट्रेड करते हैं ना कुछ करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। मैंने उनसे कहा अली भाई पैसे पड़े हैं ना, क्या कर रहे हैं, कारोबार तो कर नहीं रहे, 3 करोड़, 1 करोड़ अभी दीजिए मुझे, ये मेरा बिल रखिए, 3 महीने बाद 1 करोड़ 10 लाख मिल जाएंगे आप, तो मुझे क्या फायदा है कि अगर मुझे आज के दिन पैसे रिसीव करने भी हैं तो मैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को देके अपने कैश आज रिसीव कर लूं, सही सामने वाला ये कहेगा हाँ ठीक है ज्यादा का, क्या ज्यादा का चेक है, असल में 300 के हिसाब से बनता तो 1 करोड़ बनता, अब जब 320 के हिसाब से लगाया तो 1 करोड़ 10 लाख बन रहा है, तो आपने तो मुझे 1 करोड़ 10 लाख का एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज मैं जो एक्सपोर्टर हूँ मैं उसको मार्केट में भी बेच सकता हूँ, और बिल ऑफ एक्सचेंज को मार्केट में कम रेट पे बेच सकता हूँ, और उससे उससे दोनों का फायदा है, मुझे आज के आज कैश मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा जितने के कैश बेचता तो मुझे मिल जाता, तो बात बराबर हो गई। और सामने वाला मुझे क्यों पैसे दे रहा है, क्योंकि उसका काम ही है, वो और कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास पैसे पड़े हुए थे, उसने कहा चलो इससे मैं बैठे बैठे पैसे कमा लूँ, 3 महीने बाद बढ़ जाएंगे मेरे पैसे, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है बिल ऑफ एक्सचेंज। और फिर इसको इस्लामिक करने के लिए जब आप करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसका पहलू बनता है, खैर आगे चलते हैं। इसको जब मैं कहता हूँ ना कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज 1 करोड़ 10 लाख का है, मुझे 1 करोड़ दे दो, मेरा एक्सचेंज रख लो, 3 महीने भी लेना, इसको कहते हैं डिस्काउंट पे बेचना, डिस्काउंट हाँ ये पे एक्स्ट्रा बेचना। वैसा तो एक ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे थोड़ा टाइम लगा हमारा, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट्री दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल अटैच्ड इंक्लूडिंग द इनवॉइस एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, विद इट अ बैंक हैज़ द राइट टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट ऑनर्ड व्हेन इट मैच्योर्स। एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ गुड्स का भी डॉक्यूमेंट दे दिया मैंने, यानी जो बाय करा उसने जो मैंने बाय किया था आपसे उनके मुल्क से, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट सेलर को तो कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ना, मेरा तो बड़े लोगों से घूमते हुए रिलेशनशिप है, मेरा बैंक उसका बैंक फिर उस वो बंदा इन्वॉल्व है, तो बीच में पार्टीज हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बिल ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे बनाया गया कि उसके साथ ये इंफॉर्मेशन भी लगाई गई कि अगर ये ऑर्डर नहीं हुआ तो ये यूनिट्स जो हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, लेकिन कौन करेगा, वो लोकल बैंक करेगा, यानी आपने बनाया था बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे मुझे देने के लिए, मैं आपको बेच रहा था, मैंने तेल आपके मुल्क में भेजना था, आपने मुझे 1 करोड़ 10 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज भेजना था, तो आपने अपने मुल्क में अपने बैंक से कहा कि भाई मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो डॉक्यूमेंट्री, यानी अब इसके एवज अगर मैं पैसे ना दूं तो सामान भी आप रख लेना, और अगर सामान ना दे सका तो ये रही उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी,
कि इंश्योरेंस वाले जो हैं इस बात को गारंटी कर दे कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको कुछ पैसे दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो डॉक्यूमेंट्री बिल भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन उसके साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि इस बात को अश्योर कर रहे हैं। राइट टू टेक पोजेशन है उसमें गुड्स का, और इंश्योरेंस भी हुआ बस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एन एक्सपोर्टर कैन रिक्वेस्ट दैट अ कस्टमर यानी इम्पोर्टर मेक्स पेमेंट फॉर गुड्स बाय डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। व्हाट इज दैट? दिस इनेबल्स द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन पेमेंट बिफोर द डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ ओनरशिप आर रिलीज टू द इम्पोर्टर। द इम्पोर्टर अरेंजेस फॉर देयर बैंक टू गारंटी दैट द पेमेंट विल बी मेड व्हेन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आर हैंडेड ओवर। कभी कभी आप ये करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे, जैसे इम्पोर्टर है ना, इम्पोर्टर का नॉर्मल एक्सचेंज किस वक्त होता है? इधर आपने उनको डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए, अमेरिका वाले का एजेंट पाकिस्तान में खड़ा है, तेल चढ़ गया जहाज पे, ठीक है, जहाज पे तेल चढ़ गया, अभी भी डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर नहीं हुए, क्योंकि आखिरी डॉक्यूमेंट तब रिलीज होगा जब फाइनली सब सारा माल ऊपर चढ़ चुका होगा। उससे पहले भी तो हो सकता था। ये क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपको तेल चाहिए था, पाकिस्तान में आपका एजेंट आया, उसने कहा जी हमारी बहुत बड़ी तेल की एक इम्पोर्टर है, उनको तेल चाहिए इतने करोड़ का, 1 करोड़ का तेल चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख वो आपको दे देंगी 3 महीने की पेमेंट पे। कहा ठीक है, मंजूर है। मैंने कहा ये रहा मेरा 1 करोड़ का तेल, अब ये मैं यहाँ से उठा के जहाज़ पे चढ़ाना शुरू करूँगा तो उसमें टाइम लगेगा ना, हो सकता है 2 से 3 से 4 दिन लग जाएं, लेकिन मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ का तेल उठा के पोर्ट पे ले आके खड़ा कर देता हूँ, ये रहे वो सारे वो कंटेनर, ये रहे अभी चल रहे हैं, यहाँ से उठ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मुझे मैं फाइनल डॉक्यूमेंट आपको तब हैंड ओवर करूँगा जब सारा सामान जहाज़ पे लोड हो चुका होगा, फिर ही डॉक्यूमेंट साइन होगा ना, जहाज़ वाला कहेगा यस रिसीव्ड 1 करोड़ का ऑयल, ये लीजिए रसीद, रसीद आ गई। लेकिन मैं एज एन एक्सपोर्टर बाज़ोकात इतनी ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जिसके और भी ख़रीदार हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ रिस्क लेने में, इसमें थोड़ा थोड़ा रिस्क हर जगह है ना। मैं यहाँ से गुड्स बेच रहा था, रास्ते में ट्रक उलट गया, वहाँ जहाज़ खड़ा था, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ऑल्दो इनमें से हर एक चीज़ की इंश्योरेंस हो सकती है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरा माल बहुत तेज़ बिकता है, मैं अपने गोदाम से सामान रिलीज़ करूँ ना, आगे से आप लोग संभालो, मुझे मेरी पेमेंट दे दो। अगर इस लेवल की नेगोशिएशन करनी है तो फिर आपको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक वजह यह भी होती है बाद अवकात कि इम्पोर्टर बहुत बड़ी चीज़ होता है और एक्सपोर्टर छोटी चीज़ होता है, और एक्सपोर्टर को अपना काम चालू रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी मीट की मार्केट है किसी मुल्क में, और वो छोटे छोटे गरीब मुल्कों से मीट मंगाता है। अब मीट प्रोवाइड करने के लिए वो जो एक्सपोर्टर है, वो बज़ाहिर कहने को तो एक्सपोर्टर है, लेकिन वो क्या करता है, वो गांव गांव जाता है, वहां से जाके बकरे जमा करता है, उनको स्लॉटर करता है, फिर आपको पहुंचाता है। तो वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है जितना इम्पोर्टर स्टेबल है। ऐसा हो सकता है कि इम्पोर्टर बहुत बड़ी चीज़ हो और एक्सपोर्टर छोटे छोटे हो, जो उसके लिए बेताश है, एक्सपोर्टर्स उसने जगह जगह मुख्तलिफ मुल्कों में रखे हों। मीट की मार्केट में ऐसा होता है। तो वो जो इम्पोर्टर है वो ये कहता है कि यार आप, क्योंकि अगर उसका काम ऐसा है, खाने का काम, खाने पीने का काम ऐसा है कि उसमें सप्लाई चेन रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आपका आपका ख़राब होता है नाम। जैसे कि मैकडोनल्ड वालों ने आपसे कहा है आप मुझे हर महीने 20,000 किलो कीमा दे दिया करो, अब आपको देना है, आपने अपना रखा हुआ ऐसा है कि कोई एक्सपोर्टर मेरा छोड़ ना दे गोश्त देना, क्योंकि मैं सब जगह से इम्पोर्ट करूँगा और मैकडोनल्ड वालों को फिर सप्लाई करूँगा। तो फिर आप मेरा नाम ख़राब ना हो तो मेरी ये सप्लाई लाइन रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सपोर्टर्स को क्या कहता हूँ, भाई तुमने यहाँ से बकरे चढ़ा दिए ना, ज़िबा करके गोश्त ऊपर चढ़ा दिया, तुम अपने पैसे पकड़ो ताकि अगली परचेजिंग करो, तुम जाओ निकलो, तुम यहाँ बैठ के क्या करो। तो अगर उसको पैसे सामान रवाना होने के बाद मिलने की सिचुएशन बनेगी तो वो शायद डिले हो जाए काम में। तो ये क्रेडिट का भी एक सामान बन जाता है कि सामान जहाज तक भी नहीं पहुंचा, फिर भी उसने पेमेंट रिसीव कर ली, अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर होने से पहले रिसीव कर ली, लेकिन ये सब इंश्योर्ड होता है।
अगर उसने पेमेंट रिसीव कर ली, सामान नहीं पहुंचा, तो इम्पोर्टर ऐसा नहीं है कि नुकसान में चला जाएगा, इम्पोर्टर ने इसकी इंश्योरेंस करवाई भी होती है। और वो उस कॉस्ट इंश्योरेंस करवाने में मसला है कि हर चीज़ की इंश्योरेंस की एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इसलिए बेयर कर रहा होता है इम्पोर्टर के वो किसी तरह की डिस्ट्रप्शन नहीं चाहता, ठीक है। दिस इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अब क्रेडिट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली सामान डिलीवर हुआ नहीं है, उससे पहले पैसे मिल गए, इसलिए एक तरह से उसको क्रेडिट मिल गया, उधार मिल गया, ठीक है। तो एन एक्सपोर्टर कैन रिक्वेस्ट द कस्टमर यानी इम्पोर्टर टू मेक पेमेंट्स ऑफ गुड्स बाय डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। दिस इनेबल्स द एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन पेमेंट्स बिफोर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप आर रिलीज टू द इम्पोर्टर, ठीक है। ये बात समझ में आती है अभी क्या कहना चाह रहे हैं। इम्पोर्टर अरेंजेस फॉर देयर बैंक टू गारंटी दैट द पेमेंट विल बी मेड व्हेन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर हैंडेड ओवर। तो वो पेमेंट जो है वो इस बात को इंश्योर करता है इम्पोर्टर के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर हों और पेमेंट हो जाए या उससे पहले भी हो जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मशहूर टर्म है, इसको LC कहते हैं, इतनी मशहूर है कि लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं कहते, LC कहते हैं। मैंने LC खुलवा ली, हमारे यहाँ LC खुलती है, ठीक है। LC खुलना क्या होता है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन एश्योरेंस गिवन बाय द इम्पोर्टर्स बैंक ऑफ द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर अंडरटेकिंग टू मेक द पेमेंट रिक्वायर्ड इन ड्यू कोर्स। बैंक गारंटी कर रहा है अपने कस्टमर की तरफ से कि ये पैसे इसके पास हैं। सबा का बैंक जब ये गारंटी दे रहा है कि सबा के पास 1 करोड़ हैं वो दे देगी, ये LC कहलाती है। द लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड फ्रॉम द इम्पोर्टर्स बैंक कन्फर्मिंग दिस अरेंजमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको चाइना से 1 करोड़ रुपए का सामान मंगाना है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक जाना पड़ेगा। आपका बैंक वो वाला बैंक होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में डील करता हो। आप उससे कहेंगे मुझे 1 करोड़ का सामान मंगाना है, बैंक कहेगा लाओ 1 करोड़ यहाँ रखो, फ्रीज करा दो अपने 1 करोड़, फिर मैं लेटर दे दूंगा इसके 1 करोड़ हमारे बैंक में फ्रीज हैं और ये इस लेटर के अगेंस्ट ये 1 करोड़ हम ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। तो जब ये लेटर वो एक्सपोर्टर को दिखाएगा, एक्सपोर्टर कहेगा ठीक है पैसे तो हैं इसके पास, अब मैं इसको सामान भेज सकता हूँ, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट होगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ज़रूरी होता है, उसके बगैर कोई एक्सपोर्टर आपको एक्सपोर्ट नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बैंक इशू करता है, इम्पोर्टर का बैंक इशू करता है, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रिलेटेड मजीद कुछ सामान, अभी ट्रांजैक्शन है, ये फाइनेंशियल थे दादा, ये फाइनेंशियल है ना, पैसों से रिलेटेड है, ये ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसपोर्टेशनल है, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। बिल ऑफ लेडिंग रिप्रेजेंट द टाइटल ऑफ टू ओनरशिप ऑफ गुड्स, इट शोज डिटेल्स ऑफ द गुड्स, देयर डेस्टिनेशन, द टर्म्स अंडर विच द शिपिंग कंपनी एग्रीज टू कैरी द गुड। 3 copies ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग आर रेज्ड, 1 copy इज रिटेन्ड बाय द एक्सपोर्टर जो बेच रहा है, 1 copy इज गिविंग टू द शिप्स कैप्टन। ये एक बड़ी चीज़ होती है, जिस वक्त सामान हवा में है ना, सामान किसकी कौन कौन संभाल रहा है, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे हाथ से निकल गया है तो अब मेरी ओनरशिप में तो नहीं रहा ना, वो इम्पोर्टर है उस तक पहुंचा ही नहीं, तो अभी बीच में एक बड़ा पीरियड गुजारना है उस टाइम ने, बाद 20 दिन 30 दिन गुजारना है। तो इसकी 3 copies बनती हैं, एक एक्सपोर्टर के पास आती है, एक कैप्टन के पास आती है और एक इम्पोर्टर के पास आती है। इम्पोर्टर अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेगा तो कैप्टन उसको हैंड ओवर कर देगा सामान। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, शिपिंग के अंदर इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें टाइम लगना है, डिलीवरी में टाइम लगना है, और ये ओनरशिप का टाइटल तफसील से बताता है। फर्रुख ने कैप्टन अली के ज़रिए से सबा को 2000 लीटर ऑयल इन तरह के डब्बों में बंद इस वाले जहाज़ के ज़रिए से बेच दिया, जो इस जहाज का कैप्टन सबा को हैंडओवर करेगा जब वो बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगी। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है, 3 copies होती हैं, तीनों जो हैं वो
तीन पार्टीज को दे दी जाती है, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग, ओनरशिप के, अगर आप एक लफ्ज में कहें तो ओनरशिप के ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट है। एयरवे बिल, आप बताइए क्या होता होगा। जाहिर है हवाई जहाज, अभी तो पानी के जहाज से जा रहा था, मानो हवाई जहाज की बात करते हैं। एन एयरवे बिल सर्व्स एज अ रिसीट ऑफ गुड्स कैरीड बाय एन एयरलाइन, इट्स अ काइंड ऑफ बिल ऑफ लेडिंग फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड द सेंडर ऑफ द गुड डज नॉट हैव टू बी गिवन अ कॉपी बिकॉज द एयर ट्रांसपोर्ट इज सो फास्ट दैट द गुड्स कुड अराइव बिफोर एनी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द गुड्स डज। बात समझी नहीं समझी? बिल ऑफ लेडिंग में तो मजे की बात यह है ना कि जितनी देर में सामान आएगा उससे बहुत पहले बिल ऑफ लेडिंग कुछ पहुंच जाएगा। इस टाइम लगा हुआ टाइम हुआ, अब तो खैर इंटरनेट की वजह से एयरवे बिल भी जहाज से पहले पहुंच जाता है, लेकिन पहले का मामला तो ऐसा नहीं था ना। पहले पानी के जहाज से निकलता था सामान, और बिल ऑफ लेडिंग जो है वो आप हवाई जहाज से ही भेज सकते थे, टेलीग्राम भी कर सकते थे, मेल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब हवाई जहाज से सामान आ रहा है तो उसके तीन डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड ऑफ डिलीवरी की वजह से वो महीनों महीनों रास्ते में नहीं रहेगा। तो ये कैसे यूज़ होता है, एयरलाइन इशू करती है रसीद की तरह से, मैं गया एयरलाइन के पास गया, अब उसके बाद मैं 12,000 टन तो नहीं भिजवाऊंगा उससे तेल, मैंने उससे 4 पेटी आम भिजवाए। एयरलाइन से सामान मुख्तलिफ नौयत का जाता है ना, और उसकी क्वांटिटी भी नस्बतन कम होती है, 4 पेटी आम भिजवाए एयरलाइन से, उन्होंने मुझे एक रसीद बना के दे दी, और उसमें मैंने सारी तफसीलात लिखवा दी कि किसके घर पर डिलीवर होना है, कहाँ डिलीवर होना है, कैसे डिलीवर होना है, कौन रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा, किसके लिए भेज रहा हूँ मैं। तो मोर ऑफ अ इसकी जो मीडियम हो गया ना वो ऐसा हो गया कि एक ट्रांसपोर्टर एक रसीद बना के दे रहा है कि मैंने आपसे रिसीव कर लिया, मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। तो ये एयरवे बिल इज लाइक द बिल ऑफ लेडिंग, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग बड़ा फॉर्मल सा डॉक्यूमेंट होता है, तीन कॉपीज बनती हैं, ओनरशिप ट्रांसफर के हवाले से होता है। एयरवे बिल जो है वो एयर फ्रेट के ऊपर होता है कि मैंने आपसे सामान रिसीव किया, एयरलाइन कहती है यस रिसीव्ड, और वो वहाँ ले आके डिलीवर कर देती है। ठीक है, जो वो दिखाता है किसके नाम है, वो बंदा अपना आईडी कार्ड दिखाता है, वो उसको दिखा के दे देती है सामान, ये लो भाई ले जाओ। एक चीज होती है उसको मैनिफेस्ट कहते हैं, ये जहाज वाले के पास होता है, जहाज वाला दिखाता है ये मेरा मैनिफेस्ट है, यानी मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जहाज वाला जो भी सामान लेके जा रहा है, क्योंकि वो एक ही कंपनी का सामान नहीं ले जा रहा होता, बहुत दफा 4 कंटेनर एक कंपनी के हैं, 20 कंटेनर दूसरी कंपनी के हैं, 15 कंटेनर दूसरी कंपनी के हैं, मुख्तलिफ कंपनी से कंटेनर मिल के जा रहे होते हैं। तो मैनिफेस्ट जो है वो जहाज का टोटल लोड का हिसाब किताब बताता है कि इस पर क्या क्या सामान किस किस जगह से आया है, कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। फिर फ्रेट नोट होता है किराए का, किरायनामा, फ्रेट किराए को कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट के किराए को फ्रेट कहते हैं, ये तो पता है ना आपको, अकाउंटिंग में पढ़ा है ना, फ्रेट इन, ट्रांसपोर्ट इन, कैरेज इन, कैरेज इन, फ्रेट इन, फ्रेट नोट कहते हैं सामान को पहुंचाने का किराया। तो ये बिल है जो कि शिपिंग कंपनी देगी शिपिंग कॉस्ट के तौर पे एक्सपोर्टर को, भाई आपने सामान बेचा है, सामान भिजवाया हमारे जरिए से, उसका ये बिल बना है, फ्रेट नोट। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये सामान कहाँ से बना है, क्यों क्यों चाहिए होता है, इंपोर्टिंग कंट्री को क्यों चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं कि हम कुछ सामान कहीं से नहीं ला सकते। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान से अगर कोई सामान आएगा उसे 5% ट्रेड 5% टैरिफ लगेगा, और चाइना से आएगा तो 20% टैरिफ लगेगा।
तो फिर सामान के साथ बिल ऑफ ओरिजिन आना चाहिए कि भाई कहाँ का सामान है, उसके हिसाब से टैरिफ डिसाइड होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है, जहाँ जो बंदा इंपोर्ट कर रहा होता है वो गवर्नमेंट ये इजाज़त देती है कि हाँ तुम ये चीज़ इतनी, ये चीज़ और इतनी इंपोर्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ें ठीक है। बाद अवकात वही बताती है कि यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्टर को जो लाइसेंस मिलता है क्या चीज़ मंगा सकते हो, कितनी मंगा सकते हो, और बाद अवकात कहाँ से मंगा सकते हो, इधर एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, क्या चीज़ बेच सकते हो, नहीं बेच कितनी बेच सकते सकते हो, और मालूम कहाँ। कहाँ बेच सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसे आप नहीं बेच सकते, कुछ चीज़ें बेचने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस काफी नहीं होती। ज़रूरत नहीं होती, बाकायदा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपका LC काफ़ी है बस। हर एक से पूछने की ज़रूरत नहीं, भाई ये बेच दूँ, भाई ये बेच दूँ, ये ज़रूरत नहीं होती। बात 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 चीज़ों में ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह से हर चीज़ इंपोर्ट करने से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं होती, इंपोर्ट लाइसेंस हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपोर्ट लाइसेंस हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सर्टेन क्वांटिटीज सर्टेन थिंग्स के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, आप बेचना चाहते हैं पाकिस्तानी गधे चाइना को, चाइना में बहुत ज़रूरत है गधों की, तो उसके लिए हुकूमत ने लाइसेंस इशू किया हुआ है कि भाई अगर आपको इतने गधे बेच सकते हैं और इसका आप लाइसेंस ले लें तो आप इतने गधे इस जगह बिचवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से मैं ये बैग बनाता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं चाइना बेच सकता हूँ नहीं बेच सकता, मैं दराज के थ्रू चाइना बिकवा दूँ, या दराज की तरह से एक ऐप बनी हुई है, किसी चाइनीज़ ने ख़रीद ली बैग, ख़रीदा यहाँ से जहाज़ पे लोड हुआ, बैग जाके वहाँ बिक गया, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, लाइसेंस नहीं लेना पड़ा मुझे गवर्नमेंट से कि मैं बैग चाइना में बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ। बात समझ आ रही है? जी तो कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है इम्पोर्ट करने के लिए, कुछ चीज़ों की लाइसेंस की ज़रूरत होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कुछ की ज़रूरत नहीं होती। क्या पाकिस्तान में दराज के थ्रू जब मंगाते हैं, कितनी चीज़ें आप देखते हैं कि वो डायरेक्ट आ जाती हैं बाहर वाले मुल्क से, चाइना से आती हैं हमारे मुल्क, बहुत चीज़ें डायरेक्ट, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि हम ये मंगवा सकते हैं नहीं मंगवा सकते। आखिरी डॉक्यूमेंट जो आ गया वो आ गया इंडेंट। इंडेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इस सामान की ज़रूरत है, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि मुझे आपसे ये सामान चाहिए है, ठीक है। इंडेंट वो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने मेरी कंपनी से तेल मंगाना था तो आप मुझे इंडेंट इशू करेंगे, इंपोर्टर इशू करता है एक्सपोर्टर को जब उसको सामान किसी मुल्क से मंगाना होता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको, ये इस तरह से इस्तेमाल होंगे, बीच में बार बार आएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इंडेंट, बिल ऑफ लेडिंग। बात समझ आती है? चूंकि ये एक थोड़ी सी हैवी डिस्कशन थी, जेनरिक डिस्कशन नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉज लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए चैप्टर। हालांकि पीछे हम 5 चैप्टर एक गो में करके आए, लेकिन हम इस पे थोड़ी सी देर इसलिए रुके क्योंकि ये जनरल नॉलेज का सवाल नहीं था, ये टेक्निकल कुछ डिटेल्स थी, तो यहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं इस चैप्टर पे, फिर आगे के मल्टीपल चैप्टर एक साथ एक और वीडियो में हम बना लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।